अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर। क्लास सिक्स के लिए हमने अपना फर्स्ट टर्म का सिलेबस कवर कर लिया, जो कि जो फर्स्ट टू चैप्टर्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम अपने सेकंड टर्म के सिलेबस की तरफ जाएंगे, वो जो कि हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने अपने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के नोट्स कम्प्लीट कर लिए होंगे। अगर नहीं कम्प्लीट किए तो उन्हें कर लें। अब हम चैप्टर 3 पे आते हैं। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यसर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 जो कि पेज 34 पे है, कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर, जो कि हम आम तौर पे सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकग्नाइज माइक्रोसॉफ्ट पेंट विंडो। हमने पेंट के बारे में अब इसमें पढ़ेंगे। पहले हम लर्निंग आउटकम सारी बता देती हूँ, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह जो कि जब हम इनको पढ़ेंगे तभी करूँगी। नोइंग द फॉलोइंग मेन्यू बार टूल बार एंड कलर बॉक्स, ड्रॉ विद पेंसिल टूल, यूज़ शेप स्प्रे ब्रश एक्सेट्रा, कॉपी पेस्ट सेव एंड मॉडिफाई एन इमेज। देन फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है गेट फेमिलियर विद द कीबोर्ड राइट एंड लेफ्ट हैंड, यूज़ द करेक्ट फिंगर फॉर टाइपिंग, यूज़ करेक्ट फिंगर फॉर टाइपिंग, बेसिक टाइपिंग स्किल्स, इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, रिकग्नाइज द वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, आइडेंटिफाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज इंटरफेस, क्रिएट एडिट कॉपी पेस्ट, फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल अलाइनमेंट एंड चेंज केस ऑफ द टेक्स्ट, फिर चेक स्पेलिंग ग्रामर, सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट, रिकॉग्नाइज मल्टी मीडिया प्लेयर, नोइंग हाउ टू यूज़ डिफरेंट कंट्रोल्स, प्ले आर रिकॉर्ड क्लिप फ्रॉम द सीडी और डीवीडी। हमने ये सारे लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि हमने इसके इस चैप्टर में पता चलेगा। हमने पेंट के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे और मीडिया प्लेयर के बारे में पढ़ते हैं। लर्निंग आउटकम्स में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब चैप्टर का हम फर्स्ट टॉपिक है वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज़ अ बेसिक ग्राफिक पेंटिंग सॉफ्टवेयर दैट इज़ इंक्लूडेड इन ऑल माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन्स। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो के जितने भी वर्जन हैं उनमें पेंट मौजूद होता है। आप लोगों ने पेंट देखा हुआ भी होगा और उसका काम भी किया होगा, क्योंकि हम उस पर पिक्चर ड्राॅइंग वो सब कुछ उसी पर करते हैं। ठीक है, जब कंप्यूटर के की लैंग्वेज में अगर उसे करना हो तो इट इज़ यूज टू ड्रॉ एडिट पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स ऑन अ कंप्यूटर फॉर बिगिनर्स। बिगिनर जो शुरू शुरू में काम कर रहे होते हैं, अगर उन्हें कोई पिक्चर एडिट करनी हो, ग्राफिक्स पे काम करना है, तो वो हम जो बिगिनर्स होते हैं, जो शुरू शुरू में सीखने वाले लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने जो है अभी आप लोगों को बाकी एडिटिंग टूल्स के बारे में नहीं पता, तो आप लोग पेंट पे ही काम करते हैं, जिस पर आप पिक्चर ड्रॉ करते हैं कोई बनाते हैं। तो अब हम आगे, यूज़र कैन यूज़ पेंट टू व्यू एंड एडिट स्कैन फोटोज़। कि हमने कोई पिक्चर वगैरह या जैसे हमारी कोई फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं उनको एडिट भी करना होता है, तो हम उसको पेंट के थ्रू भी एडिट कर सकते हैं। अब हमारे पास उन्होंने बताया हुआ कि हम कैसे एक्सेस करेंगे पेंट को, कि मतलब पेंट को कैसे ओपन करेंगे। हाउ टू स्टार्ट पेंट, फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द स्टार्टअप प्रोसीजर ऑफ पेंट। स्टार्टअप प्रोसीजर क्या है हमारे पास पेंट का, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। कि हम सबसे नीचे आएंगे, वहाँ पे हमारे पास एक स्टार्ट बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, फिर हमारे पास एक स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू में क्या होगा, वहाँ पे ऑल प्रोग्राम लिखा होगा, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है और प्रोग्राम से एक्सेसरीज में जाएंगे। एक्सेसरीज़ में हमारे पास बहुत सारे ओल्ड टूल्स भी मौजूद होते हैं, उनमें जब हम देखेंगे तो वहाँ पे पेंट भी होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट वहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास विंडो एक अपीयर हो जाएगी जो पेंट की होती है। ठीक है, अब उन्होंने हमें विंडो दिखाई भी है और हम उसको कर लेते हैं एक्सप्लेन। ठीक है, पहले हमारे पास है विंडो ऑफ पेंट अपीयर्स। पहले उन्होंने बताया हुआ है कि टाइटल बार है। ठीक है, टाइटल बार में हमारे पास उन्होंने क्या, और मेन्यू बार आ जाती है, फिर टूल बार आ जाती है, फिर यहाँ पे जो है हमारे पास कलर बॉक्स होता है, यहाँ स्टेटस जो नीचे होता है वो हमेशा स्टेटस बार होता है। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट का।